देखो अब थोड़ा सा देखिए, हमने टेम्परेचर पढ़ लिया, ठीक है, टेम्परेचर की यूनिट्स में रिलेशन भी पढ़ा, क्या रिलेशन, टी बाई फाइव इक्वल टू एफ माइनस 32/9 इक्वल टू के माइनस 273 डिवाइड बाई फाइव, ये पढ़ा हमने, ठीक है। फिर हमने पढ़ा, ठीक है, इसको मेजर किस टेम्परेचर को मेजर कौन से इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, थर्मामीटर, ठीक है, थर्मामीटर से करते हैं। अच्छा हीट हमने पढ़ा, हीट का यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट क्या है, एंड अनदर यूनिट क्या है, कैलोरी। अच्छा 1 कैलोरी इक्वल टू कितने जूल होता है सर, 4.7, 4.2 कितना होता है, 4.2, ठीक है। अच्छा हीट ट्रांसफर कैसे होती है, आपने क्या लिखा है बेटा, हीट की यूनिट क्या है, जूल, ऐसा यूनिट क्या है, ओके सर जूल, और एक और यूनिट भी है कैलोरी, ठीक है। 1 कैलोरी इक्वल टू कितना होता है, 4.2। अच्छा अच्छा ये बताओ हीट कैसे ट्रांसफर होता है, क्यों ट्रांसफर होता है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, क्यों ट्रांसफर होता है हीट, गुड इवनिंग सर, टेम्परेचर डिफरेंस के लिए वजह से फ्लो होता है ना। अच्छा बताओ हीट कैसे फ्लो होता है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, सर हॉट टू कोल्ड, सर ये कैलिस्लाइड है ना टेम्परेचर, ठीक है। सर आप क्या करवा रहे, सर ये पहली स्लाइड है ना, हाँ ठीक है। अच्छा हीट ट्रांसफर क्या, नहीं है कुछ नहीं, इसके पहले कौन कौन से मेथड से बेटा हीट ट्रांसफर के, पहला कौन सा है, कंडक्शन, कंडक्शन, कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, यस कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, कन्वेक्शन, और थर्ड कौन सा है, रेडिएशन, ये लिखना है, नहीं ये तो सब लिखा हुआ है ना, सब लिखा हुआ है ये तो, है ना, अपन जस्ट रिवाइज कर रहे हैं थोड़ा सा, है ना। अच्छा कंडक्शन कैसे होता है, किसमें होता है, सॉलिड्स में, किसमें होता है, सॉलिड्स में, कन्वेक्शन किसमें होता है, ठीक है, और रेडिएशन कहाँ होता है, सब में होता है ना। अच्छा सॉलिड में क्या होता है कि यहाँ पे किसी भी रॉड को आपने क्या किया, हॉट किया वन साइड से, है ना, तो उसके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करते हैं और अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, और कहाँ तक, दूसरे एंड तक वो एनर्जी क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है, क्लियर है, यस सर। हाँ कन्वेक्शन में क्या होता है बेटा, कि जैसे वेसल है ना, वेसल है, वेसल को हमने क्या किया, यहाँ से गैस में होता है ना सर, एक मिनट बताएंगे बेटा रुक जाओ, यहाँ से हमने क्या किया, इसको गर्म किया, ठीक है, तो क्या होगा, जो पार्टिकल एनर्जी लेगा वो कैसा हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, वो एक्सपेंड हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, वो लाइट हो जाता है, कैसा हो जाता है, वो लाइट हो जाता है, और लाइट होने की वजह से वो कहाँ चला जाता है, ऊपर, उसकी जगह कौन सा, आप सबकी डेफिनेशन लिखवा दो सर, नोट्स में दी तो है लिखी हुई, ओके सर, और आपके नोट्स आपके मॉड्यूल में भी दी हुई है, ठीक है, वहां से भी नोट कर सकते हो। अब यहाँ से ये क्या पार्टिकल ऊपर चले गए, इनकी जगह कौन से पार्टिकल आए बेटा, दूसरे पार्टिकल आए, फिर वो भी सेम प्रोसीजर क्या होगी, रिपीट होती है, और पूरा लिक्विड क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है, क्लियर है। अब थर्ड होता है आपका रेडिएशन, कौन सा मेथड है, रेडिएशन, जो रेडिएशन है वो क्या है, एक वेव है, वो क्या है, वेव है ना, मतलब वो रेडिएशन से है, वो हमेशा इनविजिबल है, वो दिखते नहीं है ना, लेकिन वो कहाँ से निकलते हैं, हॉट बॉडी से, कहाँ निकलते हैं, हॉट बॉडी से क्या होते हैं, निकलते हैं, जैसे सन से भी निकलते हैं, ठीक है सर, ये लिखना है सर, वेव सर, सर इसकी वेव लाइट के बराबर चलती है सर, ये लिखना है,